आपका व्यंजन द कुकरी क्लासेस चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए पार्टी स्नैक्स या आप ऐसा भी समझ सकते हैं इवनिंग स्नैक्स लेकर आई हूँ। हम बनाएंगे कुछ नया, मशरूम को स्टफ करके मशरूम कबाना। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैं हूँ शेफ मीरा रस्तोगी। चलिए बनाना शुरू करते हैं मशरूम कबाना। ये हैं आज के इंग्रेडिएंट्स: ऑयल, वाटर, मैदा, ब्रेड क्रम्स जो मैंने आगे पीछे के स्लाइस को क्रश करके रखा हुआ है, ये हैं फ्रेश मशरूम्स जिनकी मैंने ऐसे कैप निकाल के हॉलो करके रखा हुआ है, ब्लैक पेपर, कॉटेज चीज़, व्यंजन स्पेशल ग्रीन गार्लिक चटनी जिसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, और ये रेड चिली सॉस है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्लावर लेंगे, फिर लेंगे हम रेड चिली गार्लिक सॉस। इसमें हम सॉल्ट नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ऑलरेडी सॉस में भी सॉल्ट होता है और चटनी के अंदर भी सॉल्ट होता है। अब हम थोड़ा सा वाटर लेंगे, इसे हल्के से मिक्स करेंगे, और बहुत ज़्यादा हमने लिक्विड घोल नहीं बनाना है इसका, हल्का सा सेमी थिक डो रखना है इसको। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये इतना पतला होना चाहिए। अब हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। स्टफिंग के लिए हम सबसे पहले ग्रीन चटनी लेंगे, इसे ऐसे फैला लेंगे। अब लेंगे हम पनीर और इसमें डाल देंगे हम ब्लैक पेपर। ये ऑलरेडी काफ़ी स्पाइसी है ग्रीन चटनी, अगर आप लोग कम स्पाइसी रखना चाहते हैं तो इसके अंदर आप ब्लैक पेपर हटा सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक हम अपने मशरूम स्टफ़ कर लेते हैं, हम ऑयल गरम कर लेंगे। हमें इतना ऑयल लेना है, हम इसे मीडियम फ्लेम पर रख लेंगे और हम अपने मशरूम को स्टफ़ कर लेते हैं। सबसे पहले हम मशरूम लेंगे, उसके अंदर हम थोड़ी सी स्टफिंग भरेंगे। इस तरह से इसकी कैप लगा देंगे और हम इसे टूथपिक से लॉक कर देंगे। अच्छे से हमने कर दिया, यहाँ तक इसकी टिप आ गई है। अब हम इसके अंदर फ्लावर बैटर के अंदर इसे हम कोट कर लेंगे अच्छी तरह। इस तरह से कोट करना है, आप देख रहे हैं। और ये स्नैक्स इतने हेल्दी और न्यूट्रिशियस हैं और टेस्टी, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। आप भी बनाइएगा इन स्नैक्स को। आपको मेरे मेज़रमेंट्स वीडियो के एंड में मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। अब हम मशरूम्स को ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट कर लेंगे। इसी तरह से हम अपने सारे मशरूम को स्टफ़ कर लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। देख रहे हैं, इसी तरह सारे मशरूम्स को हम स्टफ़ कर लेंगे, कैप से लॉक कर देंगे। एक बार आप फिर देख लीजिए, टूथपिक से हम इसे लॉक कर देंगे। और इस तरह इसे हम फ्लावर मिक्सर में कोट कर देंगे। देखिए, हमने अपने सारे मशरूम स्टफ़ कर लिए हैं और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। बहुत आराम से करना है ये, आप इसे किसी भी समय बना सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स में बना सकते हैं, या कोई आप छोटी पार्टी अपने यहाँ अरेंज कर रहे हैं उसमें भी बना सकते हैं। और इसे मीडियम फ्लेम पर हमें फ्राई करना है, और इस तरह से इसके ऊपर हम ऑयल डालते रहेंगे। बीच बीच में से हम चेक कर लेंगे, थोड़ा सा हिला देंगे इसकी जगह से। मशरूम कबाना आजकल बहुत ट्रेंड में है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, हमारे मशरूम फ्राई हो चुके हैं, कितना सुंदर कलर आया, गोल्डन ब्राउन कलर। इसी तरह हम अपने सारे मशरूम फ्राई कर लेंगे। बनकर तैयार है हमारे मशरूम कबाना। अब आप भी बनाइएगा और मुझे बताएं आपको कैसे लगे। फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ।